एक्सलेंस फैमिली में मैं हूं रवि और 11th अकाउंटेंसी में अभी तक हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ा। ट्रायल बैलेंस के साथ एक और चैप्टर जुड़ जाता है एरर्स और उनका रेक्टिफिकेशन, है ना। तो एरर्स अलग एक चैप्टर है और उसका रेक्टिफिकेशन अलग चैप्टर है। इस लेक्चर में हम एरर्स पे और उसका ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस लेक्चर में हम एरर्स क्या होती हैं और उनका ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट होता है। ट्रायल बैलेंस हमने पढ़ा कि सारी लेजर्स की एक समरी होती है जिसमें हम सारे लेजर्स के बैलेंसेस को मेंटेन करते हैं। तो लेजर के बैलेंसेस को मेंटेन करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है जिसकी टोटल मैच हो जाती है, और टोटल मैच होने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी अकाउंटिंग में कोई एरर रही या नहीं रही। अगर एरर होती है, निकलती है, तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस के मैच हो जाने से ये पता चलता है कि हाँ भाई कोई एरर नहीं हुई है। ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो एरर नहीं हुई है, पर कुछ ऐसी एरर भी होती हैं कि ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, बैलेंस हो गया, फिर भी एरर हो जाती है। तो ये किस किस टाइप की गलतियां हैं, एरर्स हैं, वो सब इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, और वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं ये भी इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स पे, एरर्स कितने टाइप की होती हैं। तो अगर हम बात करें, एरर्स मेजरली चार टाइप की रहेंगी, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, प्रिंसिपल एरर और कंपनसेटिंग एरर। ये चार तरह की एरर्स में भी कौन कौन से इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट होते हैं, वो सब बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मींस होता है भूल जाना, भूलने की गलती करना। अब अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, अकाउंटिंग करते समय कई प्रकार की गलतियां होती हैं, उनमें से एक गलती होती है भूलने की। अब भूलना मनुष्य स्वाभाविक सी बात है, भूलेगा ही, और गलतियां क्यों करता है, तो एक कहावत है टू एर इज ह्यूमन, जो गलती करता है वो मनुष्य है। मतलब कि मनुष्य आखिर गलती करता ही है, ये इसका नहीं निकलता है। अकाउंटिंग में भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो उनमें से एक गलती है एरर ऑफ ओमिशन, जो कि स्वाभाविक सी बात है, बहुत ही सामान्य सी चीज है कि हर कोई व्यक्ति भूलता है। तो अकाउंटिंग एक साल भर का प्रोसेस है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन मेंटेन किए जाते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन की बहुत सारी लेजर्स बनाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ट्रांजैक्शन लिखने से छूट गया हो, है ना, या कोई ट्रांजैक्शन को पोस्ट करने में गलती कर दी हो, है ना। तो इस टाइप की एरर, तो भूल जाने वाली गलती को क्या कहते हैं अपन, एरर ऑफ ओमिशन। तो एरर ऑफ ओमिशन में दो तरह की एरर्स हमें मिलेंगी, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, मतलब कि जो पूरी प्रकार से पूरा भूल गए आप, है ना, वो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है, पूरा का पूरा भूल गए। इसका मतलब जैसे एक ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू हरी फॉर रुपीज 4000 ऑन April 4th, 4 अप्रैल को एक ट्रांजैक्शन हुआ कि गुड सेल किया, किसको सेल किया, मिस्टर हरी को, मिस्टर हरी को गुड सेल किया। अब ये ट्रांजैक्शन हुआ पर इसको रिकॉर्ड करना हम भूल गए, रिकॉर्ड करना मतलब जर्नल एंट्री। देखो प्राइमरी रिकॉर्ड की बुक कौन सी है, जर्नल। तो ये ट्रांजैक्शन हुआ, हमने माल दे दिया और जल्दी जल्दी में उसको लिखना भूल गए, तो होगा क्या, इसकी एंट्री बननी चाहिए थी हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4000 डेबिट और 4000 क्रेडिट। तो आप तो पूरी एंट्री ही भूल गए ना। ट्रायल बैलेंस में ये हरी आपका डेटर है और सेल आपकी इनकम है, तो हरी के नाम से डेबिट होना था अमाउंट, सेल्स के नाम से क्रेडिट होना था। मतलब कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट, डेबिट में हरी आना चाहिए था 4000 से और सेल्स आना चाहिए था 4000 से, तो दोनों तरफ 4000 नहीं आया, तो टोटल मैच हो जाएगी, दोनों तरफ 4000 रुपए कम पड़ेंगे, तो टोटल तो फिर भी मैच हो जाएगी। तो ये एरर ऑफ ओमिशन है, कंप्लीट ओमिशन, पूरी एंट्री भूल गए, तो इसका इफेक्ट नहीं होता है, नो अफेक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस को
अफेक्ट नहीं करती है, प्रभावित कर नहीं करती है। मतलब ये गलती अगर कर दोगे ना तो भी ट्रायल बैलेंस की टोटल आपकी बराबर आ जाएगी, इसलिए इसको कहा जाता है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, और इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे बिल्कुल भी नहीं होता है। अगले पे बात करते हैं हम एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, मतलब कि लिखना, मतलब टुकड़े में भूलना, टुकड़े में या थोड़ा भूल जाना, थोड़ा लिख देना। जैसे यही ट्रांजेक्शन लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू हरी, हरी को गुड सेल किया, इसकी जर्नल अगर मेंटेन कर रहे हैं तो जर्नल मेंटेन करेंगे, और अगर कोई सब्सिडरीज बुक्स मेंटेन करता है, अगर अकाउंटेंट सब्सिडरीज बुक्स मेंटेन करता है तो फिर वो इसके लिए सेल्स बुक बनाएगा। ओके, सेल्स बुक बनाएगा। अब सेल्स बुक में तो उसने लिख दिया, क्या लिख दिया, हरी 4000, पर इसको पोस्ट करना भूल गया, इस हरी को लेजर में पोस्ट करना भूल गया, तो इससे सेल्स का अमाउंट तो क्रेडिट में बढ़ जाएगा पर हरी का अमाउंट डेबिट में नहीं बढ़ेगा, हरी डेटर नहीं होगा, इसलिए इसको पोस्ट करना भूल गया, है ना। तो ये पार्शियल ओमिशन हो गई, मतलब कुछ गलती हुई, है ना, आधी गलती हुई आधी नहीं हुई। आधी क्या सही हुई, हरी को तो कर दिया अपन ने सेल्स बुक में, मतलब कि सेल्स की एंट्री तो हो गई क्रेडिट में पर हरी की एंट्री डेबिट में नहीं हुई, इसलिए ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा, अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस बिल्कुल करेगा, नॉट गलती से लिखा है तो अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। क्यों अफेक्ट करेगा, क्योंकि क्रेडिट साइड सेल से बढ़ जाएगी पर डेबिट साइड हरी से नहीं बढ़ेगी जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, है ना, इसलिए ये है पार्शियल ओमिशन और ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है। एरर ऑफ कमीशन, कमीशन मतलब कोई गलती हो जाना, टोटल गलत कर देना, बैलेंसिंग गलत कर देना, इसमें कई अलग अलग प्रकार की गलतियां होती है, वो अपन पढ़ते हैं कि एरर ऑफ एरर ऑफ कमीशन के लिए क्या क्या होता है। रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग गलत कर देना, है ना, ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग गलत कर देना से मतलब क्या हुआ, जैसे राम डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री थी 4000, ये एंट्री थी राम डेबिट टू सेल्स, अब आपने पोस्ट गलत कर दिया, क्या पोस्ट गलत कर दिया, एक तो जाना था राम में, एक जाना था सेल्स में, राम अकाउंट में जाना था टू सेल्स और सेल्स अकाउंट में जाना था बाय राम, परंतु आपने राम अकाउंट की जगह श्याम अकाउंट में लिख दिया, है ना, श्याम अकाउंट में लिख दिया टू सेल्स 4000, राम को नहीं किया, तो होना कौन था राम, डेबिट होना था राम को, लेकिन डेबिट कौन हो गया श्याम, है ना, और क्रेडिट तो सेल्स बराबर हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन कहा दिया जाता है कि गलत आपने पोस्ट कर दिया, पोस्ट करना था राम में, पोस्ट कर दिया श्याम में, हालांकि इससे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा, इस वाली एरर से क्यों नहीं होगा, क्योंकि डेबिट राम होना था, डेबिट श्याम हो गया, फाइनली डेबिट में तो अमाउंट पहुंचा ना, इसलिए इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं होगा। अगर आप इसमें ये गलती करते हो कि राम को डेबिट करना था सेल को क्रेडिट, और पोस्टिंग करते टाइम आपने क्या किया कि राम अकाउंट में भी बाय सेल्स लिख दिया और सेल्स अकाउंट में भी बाय राम लिख दिया, दोनों की क्रेडिट में एंट्री कर दी, तो अब ये रॉन्ग साइड में पोस्टिंग हो गई, तो साइड रॉन्ग करोगे तो ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होगा, और अगर पार्टी गलत करोगे तो उससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा। तो ये एरर ऑफ कमीशन में रॉन्ग पोस्टिंग के दोनों तरीके मैंने बता दिए, इसलिए मैंने लिखा है कैन अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है ना, इसलिए ये हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रॉन्ग टोटलिंग, टोटलिंग गलत कर दी तो बिल्कुल ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। कैसे, टोटलिंग गलत करने से मतलब मेरा ये, जैसे ये आपने बनाया राम्स अकाउंट, राम्स अकाउंट की क्रेडिट की टोटल होनी थी 50 और डेबिट की टोटल होनी थी 30, तो बैलेंस आता 20, टू बैलेंस आता 20 कैरिट डाउन, ये ट्रायल बैलेंस में जाता और ये क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए कौन सी साइड में जाना था, ये क्रेडिट साइड में, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस जब बनाते तो हम राम्स अकाउंट लिखते और क्रेडिट में हमें लिखना पड़ता
20,000। ये ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं ये भी पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो हम क्रेडिट साइड में लिखते 20,000, परंतु हमने टोटल गलत कर ली, टोटल 50 की जगह 40 आ गई। तो अगर क्रेडिट साइड भी टोटल गलत करोगे तो फिर होगा क्या, बैलेंस भी आपका 20 की जगह कितना आएगा 10,000। तो टोटल अगर आपने कम किया है इसको आप अंडर कास्टिंग कहेंगे, और अगर टोटल आप ज्यादा कर लेते कि आपने टोटल कर दी 60 तो बैलेंस फिर 30,000 आता, इसको बोलते हैं हम ओवर कास्टिंग। तो टोटल गलत कर देना ये भी आपका गलती हो सकता है, रॉन्ग बैलेंसिंग, बैलेंस गलत हो जाना। टोटल गलत होना और बैलेंस गलत होना थोड़ा सा इसमें अंतर है। जैसे आपका अकाउंट है, यही राम अकाउंट मान लेते हैं, राम्स अकाउंट, अब इसकी क्रेडिट की टोटल आ रही है 50 और डेबिट की टोटल थी 30, तो बड़ी टोटल दोनों तरफ लिखी और हमने क्या किया, बैलेंस लगा दिया 30 टोटल के हिसाब से 20,000 बैलेंस आना था, लेकिन हमने गलती से बैलेंस 25 लिख दिया, तो बैलेंस गलत निकाल लिया। टोटल भी गलत हो सकती है और बैलेंस भी गलत हो सकता है। तो ये रॉन्ग बैलेंसिंग ये भी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा, क्योंकि आप एक अकाउंट का बैलेंस गलत निकालोगे तो फिर ट्रायल बैलेंस की एक साइड गलत आएगी। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ द सब्सिडरीज बुक्स, सब्सिडरी बुक्स की कास्टिंग, कास्टिंग मतलब भी टोटल होता है। अभी हमने अकाउंट की टोटलिंग देखा, अगर आप सब्सिडरीज बुक्स, जैसे ये परचेज बुक है, परचेज बुक की टोटल गलत लगाओगे तो परचेज बुक की टोटल जाती है परचेजेस अकाउंट में। तो अगर आप परचेज बुक की टोटल लगानी थी 30,000 और लगा दोगे 15,000, तो परचेज अकाउंट में जहां जाना था 30, वहां कितना जाएगा, केवल 15 ही जाएगा, है ना, तो 15 ही जाएगा परचेज अकाउंट में, तो इसको कहेंगे अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक। और अगर आप इसको ज्यादा टोटल लगा लोगे तो ओवर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक, ये है रॉन्ग कास्टिंग। रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट, अमाउंट को गलत रिकॉर्ड कर देना, है ना, कैसे, ये अफेक्ट कर भी सकता है, अफेक्ट डू नॉट अफेक्ट दोनों हो सकता है, अफेक्ट कर भी सकता है नहीं भी अफेक्ट कर सकता है। कैसे, इसका फर्क कैसे पड़ेगा, रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट, अगर आप जर्नल में, है ना, वैसे हम रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं इसलिए ये इफेक्ट तो नहीं करेगा, हम इसमें पोस्टिंग की बात नहीं करेंगे इसलिए ये इफेक्ट नहीं करेगा, डू नॉट अफेक्ट। कैसे, रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट में, क्योंकि रिकॉर्डिंग है इसलिए जर्नल की बात, मैंने गलती से यहां अफेक्ट लिख दिया, ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे हरी डेबिट टू कैश, हरी को पेमेंट किया कैश, कितना पेमेंट किया, 20,000 पेमेंट किया, 20,000 रुपीज हरी को पेमेंट किया, पेड टू हरी रुपीज 2,000, करना कितना था 2,000, और एंट्री गलती से कितने की बना दी हमने 20,000 की, तो ये रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड, अमाउंट गलत रिकॉर्ड हो गया। कभी कभी क्या होता है, अमाउंट ऐसे होता है 5486, अमाउंट एंट्री ये करनी थी लेकिन हमने क्या कर दिया 5846, है ना, कभी कभी लिखने में ऐसी गलतियां हो जाती है। तो इससे दोनों ही साइड इफेक्ट होगी, दोनों ही साइड इफेक्ट होगी तो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस की टोटल मैच हो जाएगी, तो ये अफेक्ट नहीं करेगा ट्रायल बैलेंस को, है ना, नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो ये हुई एरर ऑफ कास्टिंग। अब हम बात करते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल की। एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, सिद्धांत मतलब वो रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस जिनके हिसाब से हम अकाउंटिंग करते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ एंटिटी, अकाउंटिंग एंटिटी, है ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये सब कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल जिनके बेसिस पर हम अकाउंटिंग करते हैं। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब होता है कि इसमें आपको किसी अकाउंट को डेबिट करना था, किसी अकाउंट को डेबिट कर दिया है, क्रेडिट कर दिया, जैसे कि परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 20,000, 20,000 की मशीन आपने परचेज की, अब इसकी एंट्री वैसे तो बननी चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश में परचेज की है तो, और अमाउंट आ जाना चाहिए 20,000, है ना,
अब होनी है एंट्री चाहिए, लेकिन हो सकता है गलती से आपने मशीनरी की जगह परचेजेस को डेबिट कर दिया। तो जब हम परचेज को डेबिट कर देते हैं, डेबिट किसको करना था, डेबिट हमको करना था मशीनरी को, तो फर्क क्या पड़ेगा, 20,000 डेबिट ट्रायल बैलेंस में जाएगा पर किस नाम से चला जाएगा, परचेज के नाम से, जबकि डेबिट किस नाम से होना था, मशीनरी के नाम से। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तभी परचेज का इस्तेमाल करते हैं, असेट परचेज करते टाइम हमें उस असेट का ही नाम लिखना पड़ता है, इसलिए हमें मशीनरी को डेबिट करना था, किसको डेबिट कर दिया हमने, परचेजेस को। इसलिए यहां गलती, इस गलती को कौन सी गलती कहा जाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल या प्रिंसिपल एरर, इससे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा, डेबिट में भी 20 होगा, वो कैश तो जा ही रही है तो क्रेडिट भी 20 से मैच हो जाएगा, है ना। ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऐसा भी हो सकता है कि मशीन को रिपेयर करवाया, रिपेयर द मशीनरी एंड मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, मशीन रिपेयर करवाया मशीन को और डेबिट कर दिया मशीन को, तो रिपेयर एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो आपको डेबिट करना था रिपेयर, लेकिन गलती से क्या कर दिया, मशीन, मशीन एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, जैसे ये परचेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और मशीनरी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो हमने कैपिटल की जगह रेवेन्यू को डेबिट कर दिया है, तो कॉन्सेप्ट को हमने पूरा नहीं किया, कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। उसी तरह एक और ध्यान रखिएगा, अगर मेजर रिपेयर हो, मेजर रिपेयर मींस एक मशीन है बिल्कुल आउटडेटेड हो चुकी है, भंगार हो चुकी है, अब इसमें आपने मशीन की कॉस्ट तो वैसे 1,00,000 थी, आपने 60,000 रुपीज लगाकर इसको चलने लायक बना दिया, मतलब इसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया, तो इस समय ये जो मेजर रिपेयर है इसकी जगह मशीनरी अकाउंट ही डेबिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने इसमें मेजर रिपेयर किया है जिससे इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। तो सामान्य रिपेयर हो तो आपको रिपेयर ही डेबिट करना है, लेकिन मेजर रिपेयर हो तो आपको असेट डेबिट करना पड़ेगा। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है दोस्तों, कंपनसेटिंग एरर मींस जैसे ये हम बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में ये दो हमारे अमाउंट के कॉलम रहे, डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम। अब हमने क्या किया कि जब कैश अकाउंट लिख रहे थे तो हमें लिखना था 10,500, लेकिन गलती से हमने लिख दिया 10,000, है ना, ट्रायल बैलेंस में गलत पोस्ट कर दिया, तो गलती से हमने लिख दिया 10,000, 500 रुपए कम लिख दिए। और वहीं जब हमें लिखना था क्रेडिटर, क्रेडिटर लिखना था 30,500, लेकिन गलती से हमने क्या कर दिया, खाली 30,000 लिख दिया, मतलब 500 डेबिट में भी कम लिख गया और 500 क्रेडिट में भी। तो एक एरर ने दूसरी एरर को खत्म कर दिया, खत्म कर दिया मतलब टोटल उससे मिसमैच नहीं होगी, टोटल मैच हो जाएगी, क्योंकि इधर भी 500 की गलती, उधर भी 500 की गलती, है ना। तो इसको कहा जाता है कंपनसेटिंग एरर, जो डेबिट पे जो गलती हुई है वही अगर क्रेडिट पे भी हो जाए तो उसको कंपनसेटिंग एरर कहा जाता है, जिससे कि एक गलती दूसरे से दब जाए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, सोल्ड गुड्स टू नरेंद्र फॉर रुपीज 10,000, इसकी एंट्री बना दी थी हमें नरेंद्र डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अब हमने 10 की जगह लिख दिया 1,000, गलती कर ली। और हमें एक और एंट्री बनानी थी, हमें एंट्री बनानी थी परचेज गुड्स फ्रॉम परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, राहुल से परचेज किया फॉर रुपीज 1,000, राहुल से परचेज किया है 1,000 रुपए का गुड्स, और इसको हमने एंट्री बना दिया, स्प्लिट करेंगे इसको कंपनसेटिंग एरर के यहां से,
अगला है दोस्तों हमारा कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर मतलब होता है ये डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसका मतलब ही ऐसा है। कंपनसेटिंग एरर मींस जैसे हमारा ये ट्रायल बैलेंस है, अब ये रहा आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड, ये रहा क्रेडिट साइड। अब कोई गलती हमने 500 की इधर की है ना, जैसे हमें इधर लिखना था 1500 है ना, हमने गलती से कितना लिखा खाली 1000, 500 कम लिखा, और इधर लिखना था 2500 लेकिन गलती से कितना लिखा 2000, तो 500 डेबिट में भी शॉर्ट लिखा, 500 क्रेडिट में भी शॉर्ट लिखा। तो ऐसी एरर से क्या होता है, एक दूसरे की गलती खत्म हो जाती है, डेबिट की एरर क्रेडिट की एरर से खत्म हो गई, तो इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ता था। इसको कहा जाता है कंपनसेटिंग एरर, जिसका कि ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि एक गलती ने दूसरी गलती को मिटा दिया, खत्म कर दिया है। तो ये हमारी चारों तरह की एरर हुई दोस्तों, जिसमें हमने देखा कि कौन सी एरर ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट करती है और कौन सी एरर ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं करती है। हालांकि एरर्स में अपन एक और लेक्चर और पढ़ेंगे, जिसमें हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, पूरा पूरा चैप्टर अलग से, तो उसको और पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस लेक्चर में सॉरी, हम केवल यही पढ़ेंगे कि एरर कौन सी है और टाइप्स ऑफ एरर, एरर क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरर क्या क्या है। तो ये हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होता है दोस्तों। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।